प्रेरणा कथा। डैडी आ गए अपने कमरे में, किम खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। उसने अपने फूले हुए पेट पर अपने हाथ रखे हुए थे। बिस्तर पर उसका 3 वर्ष का बेटा टेलर सोया हुआ था। रयान को आने में अभी 10 मिनट और बाकी थे। किम ने सफाई का काम पहले ही कर दिया था। अब वो रयान के घर वापस आने से पहले कुछ मिनट आराम से खड़ी सोच रही थी। उसने एक बार फिर से खिड़की के बाहर गिर रही बर्फ को देखा। बाहर सभी चीजें धीरे धीरे सफेद होती जा रही थी। बिस्तर पर बैठते ही किम को अजीब सा महसूस होने लगा। उसने एक हाथ बढ़ाकर अपने बेटे टेलर के सर को सहलाना शुरू कर दिया। पेट में उसके 5 महीने के बच्चे ने हलचल शुरू कर दी थी। किम ने अपने लंबे भूरे बालों को पीछे एक जोड़े में बांध रखा था। अपनी गर्भावस्था में अपने 3 वर्ष के बेटे टेलर की देखभाल करना इतना आसान नहीं था किम के लिए। किम ने टेलर के कान में फुसफुसाकर कहा, डैडी जल्दी घर वापस आ जाएंगे और तुमको बहुत याद करते रहे हैं। इतने दिनों बाद तुमको देखकर वो बहुत ही खुश होंगे। किम जानती थी कि रयान की अकेली खुशी अपने बेटे टेलर से मिलने की ही होने वाली थी। किम ने अभी तक रयान को अपनी गर्भावस्था के बारे में नहीं बताया था। वो फौज की ड्यूटी पर घर से दूर था। किम और रयान की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। रयान एक सुंदर लंबा चौड़ा लड़का था। उसके लाल बाल और हरी आंखें उसको और भी खूबसूरत बनाती थी। किम तो उसको देखते ही उसकी दीवानी हो गई थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही दोनों ने शादी कर ली थी। फौज में भर्ती होने के बाद पहली बार जब रयान ड्यूटी पर बाहर के देश जा रहा था, किम गर्भवती हो सकी थी। जब रयान गया, किम के पेट में टेलर बड़ा हो रहा था। वापिस आकर उसने अपने बेटे टेलर को देखा और बहुत ही खुश हुआ। वो अपने बेटे टेलर को बहुत प्यार करने लगा था। वो एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता भी प्रमाणित हुआ। 3 महीने अपनी पत्नी किम और अपने बेटे टेलर के साथ बिताकर वो फिर से इराक चला गया था। किम और टेलर घर पर अकेले रह गए थे। जब टेलर 2 साल और 8 महीने का हुआ, एक दिन रयान को मालूम चला कि उसको अफगानिस्तान भेजा जा रहा था। वो अपने परिवार के साथ रहना चाहता था, परंतु वो कुछ भी नहीं कर सकता था। रयान को गए हुए 8 महीने हो चुके थे और उसके पीछे किम गर्भवती हो गई थी और 5 महीने के एक और बच्चे को अपने पेट में बड़ा कर रही थी। किम की आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने अपने बेटे टेलर से कहा, तुम्हारे डैडी तुम्हारे लिए बहुत सी चीजें लाएंगे, तुम्हारे डैडी तुमको बहुत प्यार करते हैं। अचानक कार की रोशनी खिड़की पर पड़ी और कार घर के सामने रुक गई। किम खिड़की से खड़ी देख रही थी। रयान कार से बाहर निकला, दोनों की आंखें मिली और दोनों ने एक दूसरे की तरफ हाथ हिला दिए। रयान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो कार से अपने बैग निकालने लगा। किम जल्दी से बाथरूम में चली गई। वो अपने आप को आईने में देखने लगी। उसने अपने चेहरे पर थोड़ा सा पानी डाला। उसने अपने बाल ठीक किए, तभी बाहर से रयान की आवाज आई, किम मैं बाथरूम में हूं, बस 1 मिनट में आती हूं। किम सुन सकती थी कि रयान अंदर के कमरे में उनके बेटे टेलर से बातें कर रहा था। किम के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो जानती थी कि अब उस रात आगे जो कुछ होने वाला था, उसका टेलर पर कुछ फर्क नहीं होगा, क्योंकि रयान उनके बेटे टेलर का ध्यान रखेगा। वो जानती थी
कुछ बुरा होने वाला था। लंबी सांस लेकर उसने बाथरूम का दरवाजा खोला और बाहर आ गई। टेलर को उठाए हुए रेयान बिस्तर के पास ही खड़ा था। उसके बैग जमीन पर पड़े थे। वो अपने बेटे टेलर के लिए एक बड़ा सा टेडी बियर लाया था। बिस्तर पर बहुत से गुलाब के गुच्छे रखे थे, वे शायद किम के लिए लाया था। जैसे ही रेयान ने मुड़कर किम की तरफ देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत ही टेलर को बिस्तर पर रख दिया। टेलर फिर से आंखें मूंदकर सो गया। रेयान ने हैरानी और गुस्से से कहा, तुम गर्भवती हो? हाँ, दिख ही रहा है। रेयान बिस्तर पर बैठ गया और टेलर के सर पर हाथ फेरने लगा। उसने गुलाब के गुच्छे उठाकर किम को दे दिए। उसने किम से आंखें नहीं मिलाई। ये फूल तुम्हारे लिए है किम। किम ने फूल उसके हाथ से ले लिए, परंतु वो इतनी घबराई हुई थी कि एक कांटा उसकी उंगली में चुप गया। उसकी उंगली से खून बहने लगा। किम ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको मेरे पेट के बच्चे के बारे में नहीं बताया। मैं बहुत ही कठिन समय से गुजर रही थी। कितना समय हो गया? 5 महीने। 5 महीने? रेयान जोर से चिल्लाया, 5 महीने कैसे हो सकता है? मुझे गए हुए तो 8 महीने हो चुके थे। किम बिस्तर पर ही रेयान के साथ बैठ गई। रेयान ने किम से कहा, क्या मैं इस बच्चे के बाप को जानता हूं? किम ने फूलों को सूंघते हुए कहा, नहीं, सिर्फ एक रात की घटना थी। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, पर हो गया। मैं बिल्कुल अकेली थी और मैं एक रात क्लब के बार में चली गई। चुप रहो, ऐसी कहानियां मैंने बहुत सुनी है। मेरे फौजी साथियों के साथ और उनकी पत्नियों के साथ भी ऐसा बहुत बार हो चुका है, लेकिन मैं ये कभी नहीं जानता था कि एक दिन मेरे साथ भी ये हो जाएगा। हम फौजी लोग तो घर से दूर ही रहते हैं। रेयान बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया और दरवाजे की तरफ चलने लगा। किम उठकर रेयान के पीछे दौड़ी, कहाँ जा रहे हो? मैं नहीं जानता, मैं कुछ समय यहाँ से दूर ही रहना चाहता हूँ। तुम कब वापिस आओगे? मैं नहीं जानता। क्या तुम वापिस आओगे? शायद आऊंगा, कम से कम टेलर के लिए तो जरूरी आऊँ। रेयान अपनी कार में बैठकर घर से दूर होता चला गया और किम बिस्तर पर बैठकर आंसू बहाते हुए अपने बेटर टेलर के बाल सहलाने लगी। मित्रों, पश्चिमी देशों में ऐसा बहुत बार होता है कि फौजी पति या घर से दूर रहकर काम करने वाले पति जब घर वापस आते हैं तो उनको अपनी पत्नियों के विश्वासघात के बारे में पता चलता है। उनके समाज में तो संबंध बहुत ही शांतिपूर्वक टूट जाते हैं और पति पत्नी शांति से अलग हो जाते हैं, परंतु हमारे समाज में भी अकेली औरत जो अपने पति का इंतजार करते करते थक जाती है, कभी कभी किसी और के चक्कर में पड़कर पति से विश्वासघात कर बैठती है, परंतु जब पति वापस आता है तो कोहराम मच जाता है और बहुत से लोग भी उन दोनों की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। बहुत बार तो हत्याएं भी हो जाती हैं। हम तो नहीं जानते कि इसका समाधान क्या है, क्योंकि कोई पति या पत्नी कितने समय तक अकेले रह सकता है। प्रकृति ने कुछ इच्छाएं ऐसी बनाई है जो जाने अनजाने पूरी करने का मन हो जाता है। पवित्रता अपवित्रता तो हम नहीं जानते, पर इतना जरूर है कि परिवार बिखर जाते हैं। अपने विचार लिख भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।